मिला है और प्रजातंत्र का एक स्वस्थ वातावरण आज हमको एक देखने मिला सदन के अंदर। हमारी सोच और विचारधारा है कि मध्य प्रदेश में जो एक जन कल्याण की सरकार बनी है, जनता के आशीर्वाद और विश्वास के आधार पर सरकार बनी है। कल पहला बजट उस सरकार का पेश किया गया जिसमें हर श्रेणी के व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ एक नई योजना, नई सोच और नई विचारधारा पेश की गई। चाहे हम किसानों की बात करें, विद्यार्थियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, आने वाले औद्योगिक नीति की बात करें, जल स्रोत की बात करें, और जो हमारे वचन पत्र में एक एक बिंदु है, हम कटिबद्ध हैं कि 5 साल के दरमियान में नहीं लेकिन शीघ्र ही शीघ्र उन सब बिंदुओं पर अमल होकर जनता के समक्ष हम लोग दोबारा अपनी प्रस्तुतिकरण करें, ताकि जिस मध्य प्रदेश को विकास और प्रगति के मार्ग से अवरुद्ध करके रखा गया था, मध्य प्रदेश को दोबारा विकास पर हम कर पाए। एक बात का मुझे जरूर आश्चर्य लगा, विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है, लेकिन जो लोग आज विपक्ष में बैठे हुए हैं, जिन्होंने 15 साल इस प्रदेश में राज करते करते आम जनता की जीवन में इतनी कठिनाई लाई है, आज वो इतने अग्रसर होने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, जिस मध्य प्रदेश को बेहाल करके छोड़ा के रखा है, आज उस मध्य प्रदेश की इमारत को दोबारा नींव से खड़े करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। देखिए, हमने ये कल्पना भी नहीं की थी, जो स्थिति का सामना हम लोग वर्तमान में आज कर रहे हैं। राहुल जी के नेतृत्व में भाजपा और मोदी जी की सरकार के विरुद्ध राहुल जी ने, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, आम जन और जनता का झंडा उठाया था। जो देश की स्थिति आज है वो चिंताजनक है। इतने अपार बहुमत में आने के बाद भी जो बजट की घोषणा हमने सुनी है, जिसमें किसानों के लिए कुछ नहीं, पहला बजट है, मैंने 17 बजट देखे हैं संसद में, ये पहला बजट है जहां कोई भी आंकड़े, बजट का मतलब क्या होता है कि वित्तीय आंकड़े पहले पेश किए जाने चाहिए, लेकिन ये पहला बजट है 17 वर्षों में जहां मैंने एक भी वित्तीय आंकड़ा नहीं सुना, चाहे वो आय की बात हो, चाहे वो खर्चे की बात हो, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट की बात हो, चाहे रेवेन्यू डेफिसिट की बात हो, चाहे FRBM एक्ट के तहत जो फिस्कल डेफिसिट पर काबू पाने की सोच विचारधारा हो, उस विषय की बात हो। ब्यूरोक्रेसी एक बहुत मजबूत कड़ी है इस भारत की। मैं आ रहा हूं, मैं मंत्री रहा हूं 3 विभाग का। ब्यूरोक्रेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है जिसके आधार पर मस्तिष्क में नई सोच और विचारधारा आ सकती, लेकिन अंतिम निर्णय सरकार के उस मंत्री को लेना होगा
और अंतिम निर्णय सरकार के उस मंत्री को लेना चाहिए ब्यूरोक्रेसी के हर पक्ष को सुनकर, पर निर्णय सरकार का होना चाहिए। तो ये जो चलता है ना ब्यूरोक्रेसी हावी, ना ब्यूरोक्रेसी हावी होनी चाहिए, ना मंत्री को हावी होना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी और मंत्री को साथ में मिलकर कार्य करना चाहिए। जहां ब्यूरोक्रेसी सही है उनकी बात मानी जानी चाहिए, जहां मंत्री सही है उनका चलना चाहिए। मैंने 3 विभाग चलाए पर मेरे विभागों में कभी भी ये मुद्दा नहीं उठा कि मंत्री महोदय हावी है या ब्यूरोक्रेसी हावी, क्योंकि टीम एफर्ट के आधार पर चलना चाहिए। और यही मैं मध्य प्रदेश सरकार के हर कांग्रेस के मंत्री को कहना चाहता हूं आपके जरिए, कि टीम भावना के आधार पर चलना चाहिए और कोई फर्स्ट अमंग इक्वल्स नहीं होना चाहिए। ये जो सोच विचारधारा है हमें कि हम ऊपर कोई नीचे, ना ब्यूरोक्रेसी ऊपर, ना मंत्री ऊपर, ना मुख्यमंत्री ऊपर, ये भी मैं स्पष्ट कर दूं, सभी को टीम भावना के आधार पर काम करना चाहिए, तभी सरकार सफल हो पाती है या कोई भी मंत्रालय सफल हो पाता है। आपका देखिए, किसी भी सरकार का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि उस सरकार का मूल्यांकन कब किया जाए। मैं मानता हूं कि 1 साल की अवधि एक पर्याप्त समय है एक सरकार का मूल्यांकन करने की। आज वर्तमान में कांग्रेस सरकार को कितना समय मिला है? 25 दिसंबर को आपका शपथ ग्रहण हुआ, 5 मार्च को आचार संहिता लग गई, 2 महीने आपको मिले थे, 25 मई को आचार संहिता, 2 महीने आपको यहां मिले हैं मुश्किल से। वर्तमान में सरकार को केवल 3.5-4 महीने मिले हैं। उस समय में जो हम कर पाए हैं, मैं मानता हूं कि काफी कुछ हमने किया है, पर वर्तमान में क्या हमें संतुष्ट होना चाहिए? नहीं, हमें संतुष्ट तब तक नहीं होना चाहिए जब तक आखिरी वचन हमारे वचन पत्र का पूर्ण रूप से साकार न हो पाए। और जहां तक मैं आ रहा हूं, मैं जवाब तो दूं नहीं, क्या आपके बिरादरी में कभी कभी कठिनाई नहीं होती है क्या? हर परिवार में होता है भाई, हर व्यक्ति न्याय चाहता है, हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी आवाज सुनी जाए। और यही तो मैं तो मानता हूं कि एक स्वस्थ परंपरा है। क्या आप ऐसे चाहोगे जैसे मोदी जी की सरकार है जहां कोई भी कुछ ना बोल पाए? अगर आपकी ये चाहत है तो मुझे बता दें। हर व्यक्ति अपनी बात कह पाए, इसमें कोई कठिनाई नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप साथ नहीं हो। आप केवल एक पहलू देखकर उसमें मतलब मत निकालो। आप, मैं जब बैठता हूं आप लोगों के साथ, आप लोगों की भी अलग अलग सोच विचारधाराएं होती, ये एक स्वस्थ परंपरा है। और मैं नहीं मानता कि इससे प्रजातंत्र की कोई हानि है, प्रजातंत्र और मजबूत होगी, सरकार और मजबूत होगी ऐसे होकर। लेकिन जब समय आएगा, जिस समय का संदर्भ किसी और ने भी दिया था अभी प्रश्न में, कांग्रेस साथ थी, साथ है और साथ रही। आप लोग पत्रकार हैं, आपका मान सम्मान इस देश का हर व्यक्ति करता है, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो व्यापारी हो,
चाहे वो किसान हो, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, अगर आप पत्रकार हैं और आपका पुत्र या पुत्री पत्रकारिता में आना चाहते हैं तो वो वंशवाद नहीं है। सुन, अरे बाबा जरा सुनने का तो सबर तो रखिए भैया, मैं एक हूं आप इतने हैं भैया, ठीक है। अगर व्यापार में कोई व्यापारी का पुत्र या पुत्री व्यापार करना चाहता है तो वंशवाद नहीं है। अगर कोई वकील का पुत्र या पुत्री वकालत करना चाहता है तो वंशवाद नहीं है। अगर कोई डॉक्टर का पुत्र या पुत्री मेडिकल में जाना चाहता है तो वंशवाद नहीं है। लेकिन यहां जब जनता के बीच में जाकर अग्नि परीक्षा में तपते हुए इस सदन में मौका मिलता है, बैठने का एक सौभाग्य मिलता है, तो उसे आप वंशवाद कहते हैं क्या है? और ये प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ ये प्रश्न मुझसे पूछ रहा है। अगर प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ होते हुए आप प्रश्न मुझे ये पूछ रहे हो तो कहीं ना कहीं क्या प्रजातंत्र की गरिमा को आप ठेस नहीं पहुंचा रहे? कोई ऊपर से तो नहीं ठेप देता है, कोई ऊपर से तो नहीं थोप देता किसी वंश के किसी नेता को? और जितने वंशवाद वाले नेता हैं जो जीत के आए हैं उससे 10 गुना ज्यादा वंशवाद वाले नेता हैं जो हारे भी हैं, और उनमें से एक तो आपके सामने ही बैठा है। और कुछ मुझे कहने की जरूरत नहीं है।